ये वाली सीट कब ना निकाली ये वाली सीट कब ना निकाली ये वाली सीट कब ना निकाली ऐसे कुछ कहे कि आपको मुझे बेच दिया अब आप घर जाएंगे वही आठ प्रश्न इसमें लिखे आप अपने परिवार के कुछ सदस्यों से उनके उत्तर पूछ के हाँ ना या फिर बताइए कि क्या प्रश्न मार्क वो लगाओगे क्या करेंगे यही आठ प्रश्न परिवार के सदस्यों से पूछेंगे अपने यहाँ की क्या प्रश्न मार्क और मिस्टर से कहेंगे कि आप पर विश्वास है या घर जाके बात की वो लोग बता सकते हैं कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिखे थे वो किससे पूछे और उनका क्या होता था बताओ प्राची प्रथा प्रथा से ओके ओके प्रथा से हम उसको कंफ्यूज करते रहते हैं फिर हम लोग आपसे मेरा नाम प्रथा सेन है मैंने इसके ये दो प्रश्न अपने दीदी से पूछे ये बड़ी दीदी अभी बड़ी है आपके तो उनसे मैंने पूछा था आप ज्यादा समय और प्रयास सुविधा के लिए लगा रहे हैं तथा सम्मत के लिए भी तो जैसे ही सर ने हमें यह प्रश्न मैंने अपनी दीदी से पूछा था दीदी ने तीनों चीजों में से सबसे ज्यादा प्रयास सुविधा के लिए करते हैं तो उन्होंने कहा हाँ आज की दुनिया सबसे ज्यादा प्रयास सुविधा के को करने में लगा रहे हैं और सही समाज संबंध को भूल ही गए हैं और दूसरा अपने घर में क्या होता है ये हम लोग क्या करते दीदी ने क्या कहा कि हम लोग अपने घर में क्या करते हैं दुनिया जो भी कर रही है वो सुविधा ही का बोला और हमने यह मैंने दूसरा प्रश्न पूछा समृद्धि के लिए सिर्फ सुविधा जुटाना ठीक है या फिर आवश्यकता को भी पहचानना होगा तो उन्होंने कहा कि हमें सुविधा के साथ और आवश्यकता को भी पहचानना चाहिए क्योंकि सब कुछ सुविधा से ही नहीं होता इसलिए आवश्यकता को भी पहचानना चाहिए और हम लोग आवश्यकता पहचानने के लिए क्या करें उसकी बात भी आज कर रहा हूँ आवश्यकता को कैसे पहचानेंगे लोग कैसे पहचानेंगे पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते ये सब बातें कितना टाइम लगा आपको कितने समय के लिए आप लोगों ने बातें की बहुत अच्छा मेरा नाम काजल प्रजापति है मैंने इन क्वेश्चन से अपने पापा से चर्चा की थी तो फर्स्ट क्वेश्चन था हम ज्यादा समय और प्रयास सुविधा के लिए लगा रहे हैं संगत के लिए तो मेरे पापा ने कहा था कि हम ज्यादा समय और प्रयास सुविधा के लिए लगा रहे हैं पर हमें संबंधों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि यदि हमारे संबंध ठीक होंगे तो हम सब मिलकर सुविधा तो जुटा ही लेंगे और दूसरा क्वेश्चन था समृद्धि के लिए सिर्फ सुविधा जुटाना ठीक होगा या आवश्यकता को भी पहचानना होगा तो मेरे पापा ने कहा था कि सिर्फ सुविधा जुटाना ठीक नहीं होगा हमें आवश्यकता को भी पहचानना होगा क्योंकि जब तक हमें अपनी आवश्यकता का पता नहीं होगा
तब तक हम जिंदगी भर सुविधा जुटा लें पर वह पर्याप्त नहीं होगी, इसलिए हमें हमारी आवश्यकता को भी पहचानना होगा। और भी बात नहीं क्या पूछा कि और क्या क्या बात होती है? हमने पिल्लर की जिंदगी बारे बता रहे हैं कि हमारे लक्ष्य क्या होने चाहिए, सब क्या है? Yes, sir. बहुत और कोई बताएगा? मेरा नाम काजी प्रजापति है। मैंने अपनी चाची से पूछा, हम ज्यादा समय और प्रयास सुविधा के लिए लगा रहे हैं या संबंध के लिए? तो बोला, हम ज्यादा समय और प्रयास के लिए सुविधा और संबंध में बराबर समय लगता है। समृद्धि के लिए सिर्फ सुविधा जुटाना ठीक है या आवश्यक को भी पहचानना होगा? समृद्धि के लिए सिर्फ सुविधा जुटाना ठीक है और आवश्यकता को भी पहचानना जरूरी है। हाँ, पूछा था कि पढ़ाई अच्छी चल रही है, कैसी चल रही है? तो मैंने पूछा था कि सब उसमें बता रहे हैं कि आपके लिए भी आवश्यक है, हमारे लिए भी है जरूरी। तो पढ़ाई में ये सब होना चाहिए कि नहीं, आवश्यकता को पहचानने का काम होना चाहिए। अभी है कि नहीं है? क्या आवश्यकता को पहचानने का काम है? बहुत अच्छा। फिर हम लोग ने ये जो 8 क्वेश्चंस है, ये जो 8 क्वेश्चंस है, इसके बारे में भी घर में जाकर चर्चा करने के लिए असाइनमेंट में लिखा था। तो बताइए कौन कौन लोग सीख पाए? आपको फिर आपके पास में मेरा नाम भारती देवाल है। मैंने अपने चाचा से पूछा था, मैं स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहती हूँ। हाँ, मैं दूसरे को निरंतर सुखी करना चाहती हूँ। हाँ, दूसरा स्वयं को निरंतर सुखी करना नहीं चाहती है, नहीं दूसरा मुझे निरंतर सुखी करना चाहती है। पता नहीं आपने आंसर दिया नहीं, चाचा ने कहा हम अपने आप को सुखी करना नहीं चाहते। मैं स्वयं को निरंतर सुखी कर पाती हूँ। हाँ, मैं दूसरे को निरंतर सुखी कर पाती हूँ। हाँ, दूसरा स्वयं को निरंतर सुखी कर पाती है, इसका भी पता नहीं। दूसरा मुझे निरंतर सुखी कर पाती है, इसका भी पता नहीं। तो ये चाचा से पूछा। तो चाचा, दूसरा पर्सन कौन है आपके स्कूल? चाचा है। तो चाचा ने कहा कि हम अपने आप को सुखी नहीं कर पाते, क्या पता नहीं? चाचा ने कहा कि तुमको पता नहीं। बहुत अच्छा, एक उनके साथ आ रहे हैं वो बाहर निकले। ये पेज इधर से तुम्हें कैसे जा रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा। ओके, भैया बड़े भाई, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं? बड़े। मैं चाहती हूँ निरंतर सुखी करना चाहती हूँ। मैं दूसरों को निरंतर सुखी करना चाहती हूँ। पता नहीं, आपको खुद ही पता चाहती है, मतलब चाहता है। भाई जो है वो चाहता है अपने आप को खुशी करना चाहता है।
मैं स्वयं को निरंतर सुखी कर पाती हूँ। मैं दूसरों को निरंतर सुखी कर पाती हूँ। दूसरा स्वयं को निरंतर सुखी कर पाता है। दूसरा मुझे निरंतर सुखी कर पाता है। मैं कभी की कभी मेरा नाम अंजलि मोदिया है। मैंने अपनी मम्मी से पूछा था ये क्वेश्चन। पहला है, मैं स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहती हूँ, तो उन्होंने बोला हाँ। और सेकंड, मैं दूसरे को निरंतर सुखी करना चाहती हूँ, हाँ। दूसरा स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता है, हाँ। दूसरा कौन है? दूसरा मम्मी और बहन। ये और नहीं, एक पर दूसरा मुझे निरंतर सुखी करना चाहता है, ये तो पता नहीं। उन्होंने कहा कि हमको पता नहीं। मैं स्वयं को निरंतर सुखी कर पाती हूँ, नहीं कर पाती। मैं दूसरे को निरंतर सुखी कर पाती हूँ, नहीं। दूसरा स्वयं को निरंतर सुखी कर पाता है, नहीं। दूसरा मुझे निरंतर सुखी कर पाता है, नहीं। क्योंकि हम निरंतर सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि हम सुख दुख तो चलता ही रहता है। ये वेरी गुड। चाहते क्या है? सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन रह नहीं पाते। और क्यों नहीं रह पाते? चाहते नहीं है या योग्यता नहीं है? कितनी देर बाद तुम आधा घंटा 40 मिनट मेरा नाम करीना है। मैंने अपने बड़े पापा से पूछा था कि मैं स्वयं को निरंतर सुखी कर पाती हूँ, उन्हें बोला हाँ। फिर दूसरा है, मैं दूसरे को निरंतर सुखी करना चाहती हूँ, उन्हें बोला हाँ। फिर दूसरा स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता है, हाँ। दूसरा मुझे निरंतर सुखी कर पाता है, पता नहीं। मैं स्वयं को निरंतर सुखी कर पाती हूँ, हाँ। मैं दूसरे को निरंतर सुखी करना कर पाती हूँ, हाँ। दूसरा स्वयं निरंतर सुखी कर पाता है, पता नहीं। दूसरा मुझे निरंतर सुखी कर करना चाहता है, कर पाता है, हाँ। दूसरा मुझे निरंतर सुखी कर पाता है, हाँ। तो ये आपके बड़े पापा हैं, किसके लिए? आपके लिए। और क्या बात हुई? और ज्यादा आई मीन जब स्कूल के बारे में पता लगता है, पढ़ी आके बाहर से तो मैं उनको बता रहा हूँ, हाँ। तो फिर मैंने उनको बताया कि अभी वो दूसरे मैं दूसरे जगह को बाहर गया है, तो क्या अच्छा। और क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने पूछा कि मैं पढ़ाई मेरी चल रही है, अभी क्या क्या पढ़ा रहा है। फिर उन्होंने बोला कॉपी दिखाओ, फिर मैंने उनको कॉपी और पॉइंट सब दिखाई थी, तो बोला कि अच्छी बात है। खुश हो रहे हो? हाँ। पूरी पढ़ी है, थोड़ी सी पढ़ के थी? नहीं, ये कॉपी पूरी पढ़ी थी, फाइल थोड़ी सी पढ़ी थी। बहुत अच्छा। पता लगा कि अच्छी पढ़ाई हो रही है। अगर अगर उनको हम लोग कहें कि परसों जो लास्ट डे है उसमें आ रहे हैं, तो आ जाएंगे? अभी तो सार से नहीं आ पाई थी, क्योंकि वो बाहर रहते हैं ना। लेकिन कल हम लोग क्योंकि टाइम है अपने पास, तो कल कौन कौन आ सकता है या आना चाहता है? आना चाहते हैं।
अलग जाते हैं, कोई नहीं आना चाहते? आप नहीं आना चाहते? नहीं आना चाहते। और कौन लोग घर में बात करेंगे कि हम लोग कल आएंगे? किसी को हेल्प चाहिए घर में बात करने के? आपको चाहिए हेल्प? बहुत अच्छा। ऐसे कल हम जैसे क्लास चलने और परसों लास्ट डे होगा। परसों कौन कौन लोगों के पेरेंट्स अपने माता पिता या घर में से बड़े पापा या कोई लोग आ सकते हैं?